उस पंडिताई ने जिस विश्वास से कहा कि नीति से शादी राजीव की जिंदगी तबाह कर देगी, ऐसे में क्या गलत है क्या सही है, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, राजीव से बढ़कर ना मेरे लिए कोई भी नहीं है और उनके बारे में कुछ बुरा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप परम देख रही है, बार बार परी जो है राजीव को फोर्स कर रही है, उसे मना रही है कि वो नीति से शादी कर ले, और यहाँ पर परी जो है अपने प्यार की कसम देती है राजीव को, और यहाँ पर मजबूर होकर राजीव जो है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परी, मुझे बहन माना है तो जो भी कहूंगी ना हमेशा तेरी भलाई के लिए कहूंगी, मेरी माने तो तू संजू और नीति की शादी मत करवा। की बात मान जाता है। इसी बीच आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई राजीव जो है नीति से शादी करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन यहाँ पर राजीव एक बड़ी शर्त रखता है और कहता है कि जब तक दुनिया में इस दुनिया में वो बच्चा नहीं आ जाता, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता। वो पंडिताई कोई छोटी मोटी पंडिताई नहीं है, उसकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। मैं जानती हूँ कि तू नीति को बहुत चाहती है और उसी के लिए तू आज अपने पति से अलग हो रही है, लेकिन एक बात बता, अगर शादी के बाद नीति की आदाश वापस आ गई और डिलीवरी के बाद उसने संजू से अलग होने के लिए मना कर दिया तो? तब तक मैं नीति के साथ शादी के बंधन में बंधा रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं नीति से डिवोर्स ले लूंगा। राजीव और नीति की कुंडली देख रही होंगी पंडिताइन और वो कहेंगी कि भाई अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो बहुत बड़ा दोष होगा ये। तो क्या करेगी तू नीति का भला करने की, जहाँ कहीं तुझे बर्बाद न कर दे परी, अपना बसा बसाया घर मत बर्बाद कर दे परी। बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा इन दोनों पर और यहाँ पर सभी घर वाले जो है घबरा जाते हैं, और भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये दोबारा से नीति की कोई प्लान है। संजू तुमसे बहुत प्यार करने लगा है, तेरी एक से दो जिंदगियां बर्बाद कर देगी हमेशा के लिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से राजीव और परी को अलग करना चाहती है। और फिलहाल यहाँ पर राजीव और परी का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई गुरविंदर कहती है कि मैंने और बेबे ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहाँ पर वो घर वालों को बताती है कि हम चाहते हैं कि राजीव और परी का डिवोर्स हो जाए, और अगर इन दोनों का डिवोर्स होता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार सच में राजीव और परी का डिवोर्स हो जाएगा, और अगर इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है तो क्या सच में इस बार नीति और राजीव की शादी हो जाती है नहीं। तो वही साथ में एक नया प्रोमो भी सामने आया जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर राजीव और नीति जो है फेरे ले रहे होंगे। जी हाँ, शादी के फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं दोनों, और इसी बीच हमारी परी मैडम के हाथ में एक बड़ा सबूत लगता है जहाँ पर उसे एक वीडियो मिलता है, और उस वीडियो में उसे बड़ी राज का पता चलता है, जहाँ पर उसे जल्दी पता चलने वाला है कि भाई परी का जो बच्चा मरा था, यानी कि परी जो कुएं में गिरी थी, उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि नीति का ही हाथ था। तो आगे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस बार परी खुद ही नीति और राजीव की शादी को रोक देगी। तो बाकी आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में इस बार इन दोनों की शादी हो जाती है या फिर परी मैडम इन दोनों की शादी रोक देंगी।